वेलकम फ्रेंड्स, सो स्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो दोस्तों आपको स्लाइड शो में मिलेगा, वॉइस ओवर मिलेगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और वो स्टूडियो में अवेलेबल नहीं हूँ। दोस्तों ये जो आज का वीडियो है वो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन पे मैं बना रहा हूँ। हालांकि डेक्सामेथासोन तथा डेक्सामेथासोन टेबलेट के बारे में, दोनों के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। यदि आप में से कोई पूरी डिटेल में वीडियो देखना चाहता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस जो वीडियो में मैंने बताया था, यही बताया था प्रेगनेंसी में क्या इस इंजेक्शन का और टेबलेट का यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी में यह जो इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन क्यों दिया जाता है, इस इंजेक्शन को देने पर बच्चे पे क्या असर रहता है, कब इस इंजेक्शन को दिया जाता है और ऐसी कौन सी कंडीशन होती महिला में जब ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग प्रेगनेंसी में किया जाता है वो तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था, लेकिन कब कब किया जाता है वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। यदि किसी महिला को किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया हो, कोई माइनर सी पॉइजनिंग हो गई हो, तब यह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और यह इंजेक्शन सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशल डॉक्टर से ही किया जाता है। आप मन से कहीं पर भी इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते। इसके अलावा जो प्री मेच्योर लेबर है, मतलब जब बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले होने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम प्री मेच्योर लेबर कहते हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चे के जो मस्तिष्क की नसें हैं और जो लंग्स हैं उन दोनों का ही पूरी विकसित नहीं हो पाते, वो पूरे मेच्योर नहीं हो पाते, जिस कारण से बच्चों को कुछ परेशानी होती है। और जो ये प्री मेच्योर लेबर है, कुछ कंडीशंस होती है जैसे महिला को ब्लीडिंग होने लग जाना, साथ ही उसके जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाना, या इसके अलावा कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन जिससे आपको डिलीवरी कराना कंपल्सरी हो जाता है, तो इस स्थिति में प्री मेच्योर लेबर करवानी होती है। और उस समय यह इंजेक्शन उस मदर को लगता है, जो गर्भवती महिला है उसको लगता है। अब अगर इंजेक्शन महिला को लगता है तो बच्चे को क्या असर करता है वो जान लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो बच्चे के जो लंग्स है और मस्तिष्क की जो नसें हैं वो मैच्योर होने लगती है, विकसित होने लगती है, जिस कारण से बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नाम की बीमारी नहीं होती है। इस बीमारी से कई सारे बच्चों की जाने गई है और जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ही ज़्यादा है। तो जब यह इंजेक्शन लग जाएगा तो उस बच्चे को यह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं रहेगा और बच्चा सेफ रहेगा। हालांकि जब प्रीमेच्योर लेबर होता है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है, और अगर इंजेक्शन डेक्सोना लग गया है तो उसके कुछ कम दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा जाएगा और बचने के चांसेस बहुत ही अच्छे रह जाते हैं। अब इस इंजेक्शन को लगाते कब है प्रेगनेंसी में, इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते से लगाकर 34 हफ्ते के बीच में लगाते हैं। और अगर प्री मेच्योर लेबर में ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो 24 आवर पहले इंजेक्शन लगता है और बाद में एक इंजेक्शन और लगाते हैं, जो सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बार बार डॉक्टर दोस्तों बता रहा हूँ, बिना डॉक्टर की सलाह, बिना गायनोकोलॉजिस्ट ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। और वो कौन सी औरतें हैं जो इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकती? दोस्तों यदि कोई महिला है जो पास्ट में कभी भी डेक्सामेथासोन से एलर्जिक रही है, वैसे ऐसा नहीं हुआ है, डेक्सामेथासोन एलर्जी नहीं करता है, फिर भी कोई एलर्जिक है तो उसे ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही विदाउट गायनोकोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन एडवाइज ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। और जब ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो स्पेशल डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाएगा। ये कुछ इसकी सावधानियाँ बताई है, कब नहीं लग सकता है ये मैंने आपको बताया। और मैंने कोशिश की है प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की पूरी जानकारी दे दूं, क्योंकि कमेंट में मैंने कई दोस्तों ने मुझे पूछा है कि क्या इसकी डिटेल रहती है, तो पूरी डिटेल में कमेंट में नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी ये काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से दबा दें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सबसे पहला वीडियो आप देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।